अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हमने एक्सरसाइज 3.2 सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए हमने सॉल्व करना है। उसके अंदर वो क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हुए हमने जो है वो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करना है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने जो है वो ए बी और सी की जो वैल्यूज़ है वो हमें निकालनी है। तो ये पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, वन बाय एक्स प्लस थ्री माइनस वन बाय एक्स माइनस थ्री, वो एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है वो मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। जब इस सारे को मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो ये और ये और ये कट जाएगा, ठीक है। ये जब कटेगा तो आ जाएगा एक्स माइनस थ्री आ जाएगा पहले, ठीक है, एक्स माइनस थ्री, ये आ गया एक्स माइनस थ्री, ठीक है, माइनस, ठीक है। जब इस सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा ये कट जाएगा, बाकी ये रह जाएगा एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। मज़ीद सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स, ये माइनस अंदर की अलामत को चेंज कर देगी, माइनस का थ्री हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू थ्री। यहाँ से जमा का, ये जमा का एक्स, ये माइनस का एक्स है, ठीक है, ये माइनस का तीन और माइनस का तीन, माइनस का छः हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हमने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स को एक्स के साथ किया तो आ गया एक्स स्क्वेयर, एक्स को इसके साथ किया तो आ गया जमा माइनस, ये माइनस है, ये जमा जमा माइनस माइनस, ये आ गया, इसको इसके साथ जब किया तो आ गया थ्री एक्स, ठीक है। फिर जमा जमा जमा, इसको तीन को एक्स के साथ किया, तीन एक्स आ गया, जमा माइनस माइनस, तीन तीन नौ, ठीक है, तीन को तीन से मल्टीप्लाई किया तो नौ आ गया, इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। माइनस सिक्स, ये जमा का है, ये माइनस का, ये कट गए, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन, ठीक है, ये सारा इधर हो रहा है, डिवाइड उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन, ठीक है, और इधर रह गया माइनस सिक्स, ठीक है। ये थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन, तीन तीन दो छः, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस का टू, ठीक है, माइनस का टू आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये माइनस का नाइन उधर जाके जमा का नाइन हो जाएगा और माइनस का टू, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सेवन, ठीक है। यानी कि इसको मैं अब इधर ले जाता हूँ, अगर एक्स स्क्वेयर ये जमा का इधर आके माइनस का सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वेयर जमा ज़ीरो एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह बनती है ना, ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्स के साथ कुछ नहीं था तो वो मैंने ज़ीरो एक्स लिख दिया, माइनस सेवन हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए बी सी डी डी दिया हुआ है, तो अगर मैंने इससे ए बी सी डी अब निकालना है तो ए मेरा होगा यहाँ पे वन है वन, बी मेरा होगा ज़ीरो और सी मेरा होगा सेवन, ठीक है, और सेवन के साथ माइनस का सेवन लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का सेवन है, ठीक है। अगर अब मैं इसकी एंट्री करता हूँ अपने फॉर्मूला के अंदर, तो आए फॉर्मूला के अंदर मैं एंट्री कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी माइनस का ज़ीरो जमा माइनस माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, ठीक है, बी की वैल्यू ज़ीरो है, माइनस फोर ए वन है और सी फोर ए सी, सी की वैल्यू कितनी है माइनस सेवन बटा टू ए की वैल्यू वन, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे स्टार्टिंग पे अब ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, ज़ीरो प्लस माइनस माइनस इंटू ये हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया चार, ठीक है, माइनस का चार, ठीक है, ये आ गया माइनस का
चार इंटू माइनस का सात बटा टू, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, चार को ज़रब किया सात के साथ तो अट्ठाईस आ गया बटा टू, ठीक है। अब मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, अट्ठाईस आ गया, ठीक है, अब मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि अट्ठाईस आ गया है। अब मैं क्या करूँगा इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए, मेरे पास जो एक तरीका है वो ये है कि मैं करूँ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस चार ज़रब सात, ठीक है, बटा दो। अब क्या करूँगा, x इज़ इक्वल टू चार का जब मैं रूट लूँगा ना तो चार का रूट टू आ जाएगा, वो टू बाहर आ जाएगा, सात यहाँ रह जाएगा और दो ये आ जाएगा, ठीक है, ये दो दो के साथ कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू है, x का जो आंसर है वो आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट सेवन, और यही हमारा आंसर है, ठीक है, जिसके लिए हम काम कर रहे थे। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो फिर हम इसका मज़ीद आगे क्वेश्चन करेंगे।